अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फुर्सत। दोस्तों आज बात करेंगे आईपीएल टी20 लीग 2022 के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि अफगानिस्तान खिलाड़ी जो आईपीएल 2022 में शामिल है उसकी सैलरी कितनी है, यानी उसको कितने रुपये मिलेंगे इस सीज़न के लिए। यकीनन दोस्तों आप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे इस खबर को सुनने के बाद। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी अफगानिस्तान प्लेयर के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान खिलाड़ियों के बारे में, कितने अफगान खिलाड़ी आईपीएल 2022 में शामिल होंगे। अगर बात करें दोस्तों 5 अफगान खिलाड़ी आईपीएल 2022 में शामिल होंगे, जो यकीनन दोस्तों मुख्तलिफ टीमों में शामिल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो सैलरी, जो अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, वो सैलरी, वो अमाउंट अफगानिस्तान प्लेयर को इसी सीजन के मिलेंगे। और सबसे पहले बात करें नूर अहमद, यकीनन दोस्तों इसको 20 लाख इंडियन रुपीस पर लिया है, यानी इसको इस सीज़न में 20 लाख इंडियन रुपीस मिलेंगे, जो गुजरात टाइटन्स की टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे प्लेयर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फजल हक फारूकी होंगे। अगर बात करें दोस्तों ये 50 लाख इंडियन रुपीस पर खरीदे गए, जो सनराइजर्स हैदराबाद में नजर आएंगे। अगर बात करें दोस्तों इसको भी इसी सीज़न के 50 लाख मिलेंगे। अगर बात करें रहमानुल्लाह गुरबस, तो दोस्तों वो भी 50 लाख इंडियन रुपीस पर खरीदे गए हैं, जो गुजरात टाइटन्स के टीम में शामिल होंगे। अगर बात करें दोस्तों इसको भी इसी सीज़न में 50 लाख इंडियन रुपीस मिलेंगे। और अगर बात करें मोहम्मद नबी, तो दोस्तों मोहम्मद नबी को 1 करोड़ इंडियन रुपीस में ख़रीदा गया है, जो कोलकाता नाइट राइडर की टीम में नज़र आएंगे। इसको भी दोस्तों इसी सीज़न में मिलेंगे। अगर बात करें राशिद खान, तो दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट पर ख़रीदे गए हैं, यानी 15 करोड़ इंडियन रुपीस, जो गुजरात टाइटन्स की टीम में शामिल होंगे। यकीनन एक बहुत बड़ी रकम पर राशिद खान ख़रीदे गए, यानी राशिद खान को सबसे ज़्यादा अमाउंट पर खरीदा गया है, जिसको दोस्तों इसी सीजन के सिर्फ 15 करोड़ इंडियन रुपीस मिलेंगे। और दोस्तों अगर बात करें आईपीएल प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो दोस्तों ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी दोस्तों अगर देखा जाए आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, यकीनन दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट है, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों इसको, यानी अगर 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक प्लेयर का होता है तो दोस्तों उसको यानी 15 करोड़ राशिद खान को मिलेंगे। अगले साल राशिद खान को दोबारा 15 करोड़ मिलेंगे, और उसके बाद जो साल होगा उसमें भी दोस्तों राशिद खान को 15 करोड़ इंडियन रुपीस मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों राशिद खान का 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। यकीनन दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ी रकम पर राशिद खान खरीदे गए हैं, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यानी दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म है कि राशिद खान सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदे गए हो, और उसको एक ही सीजन में 15 करोड़ इंडियन रुपीज मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और राशिद खान एक बहुत लकी है कि इंडियन प्रीमियर लीग में नजर आ रहे हैं, जिस तरह बाकी अफगान खिलाड़ी, यानी दोस्तों एक मोस्ट पॉपुलर इवेंट है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के प्लेयर शामिल होंगे। तो दोस्तों जरूरी खबर आपको बताएं, अगर आपको खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों आप भी जरूर कमेंट करें। खुदा हाफिज़।